हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी मैनिया विद रितु। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे सीरम लेकर आई हूँ जो आपके हेयर फॉल को कम्प्लीटली रोक देगा। ये सीरम जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और मैं इसकी सेकंड बॉटल, मैं दो बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ और ये वाकई में बहुत अच्छा है। अगर आप होम रेमेडीज से परेशान हो चुके हैं, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, ऑयल वर्क नहीं कर रहा है, या कोई भी जो भी होम रेमेडीज़ आप फॉलो करते हो या देख भी रहे हो YouTube चैनल पे, अगर कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो आप एक बार इस सीरम को ट्राई करके ज़रूर देखें। ये सीरम कैसा है ये मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसके साथ वो भी शेयर करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जिस सीरम की बात मैं कर रही हूँ ये है ऑर्डिनरी का हेयर सीरम। इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, दिस इज़ अ क्वाइट एक्सपेंसिव। ये 2100 के आसपास आपको मिलेगा, 2150 रुपीज़ का। पहले मैंने जो लिया था, जो मेरी इसकी फर्स्ट बॉटल थी, ये एक बॉटल मेरी ख़त्म हो चुकी है। ये तब दो तीन महीने पहले ये 2000 का था, सिर्फ 2000 का था, और अब इन्होंने थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया है। वहाँ पे आप जाके फीडबैक देखोगे ना तो लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक दिए हैं इस सीरम के बारे में। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, 2100 इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन अगर जहाँ बात आती है बालों की तो हम थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा सकते हैं। अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और हर तरीके की चीज़ आप कर चुके हैं, तो एक बार इस सीरम को ट्राई करके देखें। विद इन 1 वीक में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके हेयर फॉल में काफ़ी हद तक कंट्रोल, आपके हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ये सीरम कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। पहले मैं बता देती हूँ ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने पैसों से परचेज़ किया है, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इसीलिए मेरे पास इसकी 2 बॉटल्स हैं, एक ऑलरेडी खाली हो चुकी है, फिर ये सेकंड बॉटल मैंने मंगवाई क्योंकि मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा और सीरम बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। यहाँ पे और भी बहुत सारे सीरम हैं लेकिन मुझे ये वाला सीरम काफ़ी अच्छा लगा। लोगों के फीडबैक देकर ही मैंने इस सीरम को परचेज़ किया था। ये इस तरीके की पैकेजिंग है और इसमें आपको ये ड्रॉपर मिलता है, इस तरीके से आपको लेना है और अपने हेयर पे लगाना है। याद रखिएगा, हमेशा हेड वॉश करने के बाद आप इस सीरम को यूज़ करेंगे। गंदे स्कैल्प पे अवॉइड ही करें सीरम को लगाना, क्योंकि गंदे स्कैल्प पे इस सीरम यूज़ करोगे तो कोई खास रिज़ल्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है ये रिज़ल्ट फिर भी देता है, लेकिन अच्छे रिज़ल्ट के लिए मैं बोलूँ तो आप स्कैल्प जो हो आपका वो बिल्कुल क्लीन हो। तो जिस दिन आप हेड वॉश कर रहे हो उसके नाइट में आपको इसको यूज़ करना है। और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, मैं इसको, वैसे तो इसमें बोला गया है कि डेली आप इसको यूज़ करो अच्छे रिज़ल्ट के लिए, लेकिन मैं 2 दिन ही इसको यूज़ करती हूँ, तो वीक में मैं इसको 4 बार यूज़ करती हूँ। इससे ये मेरा थोड़ा सा लंबा चल जाता है, नहीं तो ये 1-1.5 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको परचेस करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंसिव है थोड़ा सा। इसीलिए तो मैं हेड वॉश जिस दिन मैं करती हूँ उस दिन ज़रूर इसको यूज़ करती हूँ, और उसके नेक्स्ट डे जिस दिन मुझे सर धोना होता है मैं उस दिन इसको नहीं लगाती, क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्कैल्प थोड़ा बहुत गंदा हो चुका होता है। तो आपको इसको कैसे लेना है, ज़्यादा भर भर के नहीं लेना है, इतना इतना आपको लगाना है कि आपको ना खुद ही महसूस हो जाएगा कि ये लग चुका है। जहाँ भी आपको लग रहा है कि बाल थोड़े कम है वहाँ पे आपको इसको लगाना है, और लगाने के बाद आपको इसको करनी है हेड मसाज। इस तरीके से आपको हेड मसाज देना है, और चाहो तो एक हेड मसाजर भी आता है उससे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये हल्का सा ऑयली रहेगा, बहुत हल्का सा, पता नहीं चलता, लेकिन हाँ हल्का सा ऑयली है, बिल्कुल वाटरी नहीं है, ये हल्का सा ऑयली रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे डेली नहीं लगा सकते या ऑफ़िस नहीं जा सकते, आप इजीली ऑफ़िस भी जा सकते हैं उसको लगा के। तो ये एक मतलब ऐसा नहीं कि नहीं। और इसको लगाने के बाद मैं कोई भी हेयर ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने हेयर ऑयल यूज़ करने ही बंद कर दिए हैं क्योंकि मुझे इस सीरम से बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। इसलिए मैं स्कैल्प पे हेयर ऑयल नहीं लगाती हूँ, लेकिन जो लेंथ हो गई ना मेरे बालों की, जो लेंथ है उस पर मैं अपना हेयर मास्क, कंडीशनर जो भी आप यूज़ करते हो वो यूज़ कर सकते हो, शैम्पू जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो यूज़ करें, स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करें और नाइट में इस हेयर सीरम को यूज़ करें। आप देखोगे विद इन 10 डेज़ में आपके हेयर फॉल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। एक बार यूज़ करके देखें, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप वहाँ जाके, ये मैंने नायका से परचेज़ किया है और वहाँ जो फीडबैक दिए गए हैं ना लोगों के,
वहाँ जाके आप एक बार फीडबैक ज़रूर पढ़ना, तब आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि सीरम कितना अच्छा है। इसीलिए मेरी ये फर्स्ट पॉट ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और ये मैंने चलाई थी 3 मंथ तक, मैंने इसको चला लिया था क्योंकि मैं वीक में 4 बार ही इसको यूज़ करती हूँ, डेली यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन आपके एक्सेस हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप इसको 10 दिन लगातार यूज़ करें, फिर आप देखोगे कि आपके हेयर फॉल में बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जिनको प्रॉब्लम हो रही है ना हेयर फॉल की, उन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हो इस सीरम को यूज़ करके। पहले तो ऐसे सीरम आते भी नहीं थे, लेकिन अब इतने अच्छे अच्छे सीरम बनने लगे हैं। लेकिन हाँ, ऑर्डनरी का ये सीरम बेस्ट है। ऑर्डनरी के प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो एक बार आप इस सीरम को ट्राई ज़रूर करें। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। बाय बाय एंड टेक केयर।